यहाँ के ऑडियंस को लगता है 45% को कि बी शुगर केन सही जवाब है. बार्ली 34, 34%. पोटेटो 11, ग्रेप्स 10. Well, I think I'll go with with the audience, B, sugar cane. Okay. Now we realize she's going to be the spokesperson for this team. B, sugar cane. Freeze कर दूँ? Freeze कर. Mr. Computer, B, sugar cane. Freeze it, please. Joyce thought the answer is B, also. And the answer is B. Sugar cane is the right answer. You're right. Most rums are made from molasses. The residue remaining after sugar has been crystallized from sugarcane juice. Aathwa sawal, 1,60,000 rupees ke liye, okay? We should get as much money as we can before the hooter blows. Okay, eighth question. 1,60,000 rupees ke liye, pesh kiya jaye. कौन से अभिनेता भारतीय रग्बी टीम की ओर से खेलते हैं? ए ऋतिक रोशन, बी सुनील शेट्टी, सी राहुल बोस, डी विवेक ओबरॉय. सी राहुल बोस. पक्का पक्का पक्का. नो डिस्कशन ऑन दिस. ओके मिस्टर कंप्यूटर, सी राहुल बोस. फ्रीज इट. सारे के सारी जितनी जनता है यहाँ पे सबने राहुल बोस के लिए वोट किया. Means he's a great, great rugby player. C. Rahul Bose is the right answer. Very, very good. All right. Nova sawal, 3,20,000 rupees ke liye. Mr. Computer, pesh kiya jaye. Kis Yunani devta ke naam par America ke Chandrama par manav sahit yaan utarne ke mission ka naam rakha gaya tha? A, Uranus, B, Athena, C, Apollo, D, Eros. Apollo. C. You sure? Apollo the third. It's Apollo the third. C, Apollo. Yeah, Apollo. Apollo, freeze karu? Yeah. Yeah. Mr. Computer. Freeze it. I'm going for it. See Apollo. Freeze it. See Apollo is the right answer. Very good. The first manned mission landed on the moon in 1969, just for your information. और बातचीत बढ़ाने से पहले मैं एक थोड़ा सा प्यार अपने दर्शकों के साथ भी बांटना चाहता हूँ और अब थोड़ा सा प्यार आप लोगों के साथ बांट लूं, यानी हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट. तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज का सवाल है ये. इनमें से किस त्योहार को लगातार 9 दिन तक मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 दिवाली, 2 नवरात्रि, 3 होली, 4 लोहड़ी. अगर आपकी उम्र, जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि घर बैठे 2,00,000 रुपए जीतने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा. एंड वी आर बैक टू द गेम या 6,40,000 रुपए के लिए वहां तक तो पहुंचना है. आर यू रिलैक्स नाउ? या यू श्योर? नीड अ मसाज? एनीथिंग? मसाज दे दो. चलो ठीक है, आप लोग थोड़ी देर के लिए मसाज करो. ऑडियंस आप भी घर जाके थोड़ी देर दूसरे को प्यार की मसाज करो. नहीं नहीं, होटल नहीं दबाएंगे. आप भी जाएं थोड़ी सी प्यार की मसाज करें. जल्दी से अपने लवर्स को, अपने प्यार करने वालों को, बच्चों को, ग्रैनीज को मसाज दें और फटाफट वापस आ जाएं क्योंकि मैं यहाँ पर मसाज करने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी तक अरवाज खान और मलाइका अरोरा खान. तुम लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया था? तुम तो शायरी भी करते हो ना अरवाज? नहीं शायरी नहीं करते. ऑफ कोर्स बोल रही हो. लेकिन इन्होंने प्रपोज नहीं किया. तो किसी ने यू प्रपोज टू हिम? हाउ, व्हाट डिड यू से टू हिम? क्या बोला? मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ यू डोंट मैरी मी इन दिस ईयर देन वी डोंट गेट मैरिड एट ऑल. सो आई सेड योर प्लेस एंड योर टाइम. उन्होंने कहा कि यू चूज द प्लेस एंड टाइम एंड आई विल बी देयर. ओके वेरी नाइस. तुमने प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात का खुलासा हो सकता है कुछ आज?
तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल था। तो फिर क्यों नहीं प्रपोज किया? मैं थोड़ा लंबा खींच रहा था। क्या लंबा खींच रहे थे? अपने ऑप्शंस को देख रहा था। और भी ऑप्शंस चुन रहे थे तुम, ए बी सी डी या लाइफलाइन? और सारे लाइफलाइन। और सारी लाइफलाइन? नो नो, आई वाज स्टिल गेटिंग इनटू द ग्रूव ऑफ थिंग्स एंड ऑल। जैसे आदमी शादी करने से पहले कहीं अपने एक करियर की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ तो एटलीस्ट स्टेप लेता है, तो जब मेरा शुरू हो गया था तब आई डिसाइड बिकॉज। और अच्छा, करियर से मुझे याद आया, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम क्रिकेटर भी बनना चाहते थे एक बार। तुम क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हो जी, और खेलते भी हो, देखते भी हो। ओ यार, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इसलिए तुम जीते हो, मतलब एकदम 2020 वाले हो तुम। तो क्रिकेट की तरफ क्या झुकाव है, क्यों नहीं खेला, क्या हुआ? एक्चुअली माय फादर वांटेड एनी वन ऑफ हिज थ्री किड्स टू बिकम अ क्रिकेटर, मतलब तीन में से एक भी कोई खेल जाता था ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी बिकॉज़ उन्होंने खुद रणजी ट्रॉफी लेवल तक खेला है। अच्छा, स्लिम अंकल ने रणजी ट्रॉफी खेला। 12 साल की उम्र में थोड़ा क्रिकेट में शौक रखता था, थोड़ा सिंगिंग में शौक रखता था, गाने में भी रखता था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि डैड आपको क्या लगता है, मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए या सिंगर बनना चाहिए? तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए। तो मैंने बोला आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है? सिंह ने बेटा मैं तुम्हें गाते हुए सुना है। ओके, क्योर बट वो भी मैं नहीं कर पाया। गाते बिल्कुल नहीं हो? अगर अभी मैं थोड़ा गाता हूं। एक सेकंड, आज वैलेंटाइंस डे है, इतना खूबसूरत कपल है, अगर ये सब नहीं हुआ तो ठीक है। अगर अगर थोड़ा सा गाओ मलाइका के लिए तो क्या गाओगे यार? दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कल में पिघल जाएंगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कल में पिघल जाएंगे। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। इसको मैंने Fantastic. And I'm sure this charity is bringing another dimension to this show. It's amazing. Thank you, Arbaaz. That's really kind and such a good thing that you're doing. This was all put on 640,000 rupees. All right, ready? Lights will also get dim. Mr. Computer, 640,000 rupees for this was all. Pesh kiya jaye. Goa ke kis church mein Saint Francis Xavier ke